ये है जी हमारा मोटर पंप, डोंगी पंप। ये आप इसकी हालत देख लें, इसको हम इंशाल्लाह सर्विस करेंगे। ये बिल्कुल ही जो है ना पानी नहीं दे रहा, पानी जो है ना बिल्कुल नहीं उठा रहा। आज हम आपको दिखाएंगे उसको सेट करना। ये जी हम खोल रहे हैं पंप को, हमने खोल लिया है पंप। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। अभी हम जो है ना इनकी पंप की बोकियाँ चेक करेंगे। हमारा पंप पानी नहीं उठा रहा है, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये है जी बोकियों की कंडीशन, अभी हम मज़ीद इनको खोल रहे हैं।
नट लगे होते हैं इधर, ये नट आप खोल लें ताकि बोगियाँ बाहर निकल सकें, फिर इसको घुमाएं, ये राड अंदर जाए और बोगियाँ हमारे जो है ना ये जाए। ये देखें जी, ये हमारी बोकी ख़त्म है अंदर वाली। किसी को पता नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता कि जो है ना बाहर खोल लेते हैं ये जो है ना ये फ्लेंच खोल लेते हैं, पता नहीं चलता, देखते हैं कि आगे वाली बोकी सही है तो पीछे वाली भी सही होगी जो अंदर वाली है, लेकिन काफ़ी मरतबा जो है ना अंदर वाली ख़राब हो जाती है। ये देख लें, हमारा पंप पानी तो दे रहा था लेकिन इतना कम दे रहा था कि छोटा सा कतरा कतरा जो है ना फेंक रहा था। तो ये है बोकी कंडीशन, ये देखिए, ये बिल्कुल जो है ना टूटी हुई है, ये ख़त्म हो गई है, ये देखिए। ये हम अभी इसको बना रहे हैं, ये है जी हमारी नई बोकियाँ, अभी हम इनको डालेंगे। ये देख लेना है, ये वाशलें जो है ना सही आनी चाहिए, अगर ये वाशलें नहीं होगी आपका पंप नहीं चलेगा, तो राड वो जो है ना फ्री घूमता रहेगा, आगे पीछे होता रहेगा और बोकियों को साथ नहीं घुमाएगा, आगे पीछे नहीं करेगा। तो आपने ये चेक कर लेना है कि ये जो है ना ये वाशलें ये इधर आ जाएगी अंदर, और इसको अंदर हम डालेंगे। ये चाहे बेशक आप आगे राड में लगा दें वाशल पहले, फिर आप ये बोकी डाल दें। ये हमने जी बोकी लगा दी, उसके बाद ये बड़ी वाशल आनी चाहिए बीच में, अगर ये नहीं होगी तो बोकियाँ ख़त्म हो जाएंगी, उसी टाइम जो है ना ये ख़त्म कर देगा। ये हम अभी ये लगाएंगे बोकी, ये आ गई, इसके बाद हम वाशल डालेंगे, दो वाशलें, एक बीच में और एक अंदर बाहर बोकियों के बीच में, दो बोकियों के बीच में आएंगी आगे पीछे वाली बोकियों में, और एक जो है ना बीच में आएगी, दोनों बोकियों के सेंटर में आएगी। तो ये ख़ास ख्याल रखना है, ये वाशलें आनी चाहिए, अगर वाशलें नहीं होगी तो बोकियाँ जैसे जो है ना वो पानी में जो है ना चली जाएंगी तो वो जो है ना फूलेंगी, जैसे फूलेंगी तो वो राड जो है ना फ्री हो जाएगा। ये हम अभी नट लगा रहे हैं, ये हम नट लगा रहे हैं, दो नट लगा रहे हैं, लगता तो एक ही है लेकिन हम दो लगा रहे हैं, वो इस वजह से कि एक नट अक्सर जो है ना वो खुल जाता है, नट जो है ना वो ढीला हो जाता है तो पानी नहीं देता पंप, ढीला हो जाता है, वो बोकियाँ जो है ना सही वर्किंग नहीं करती, तो इस वजह से वो पानी देना छोड़ देता है। ये हमने बोकियाँ लगा दी, ये देख लें, ये अभी आगे पीछे हो रही है, ये आगे पीछे हो रही है, आप देख लें जैसे हम
ये जी हमारी बुकियाँ लग गई। अभी हम इसको सर्विस करेंगे। ये जी पंप हमारा सर्विस हो गया। ये पंप हमने सर्विस कर लिया। काफ़ी दोस्त हमारे परेशान होते हैं, वो बोलते हैं कि डिलीवरी की जगह सेक्शन आ जाए, सेक्शन की जगह जो है ना डिलीवरी आ जाए। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ताकि वो जो बोकियाँ हमारी लगी होती हैं कभी कभार वो ख़राब हो जाती हैं, तो कहीं कहीं पे वो जो ना अंदर वाली साइड पे आ जाती हैं, तो फिर सारा मोटर खोलना पड़ता है। तो वो भी कोई मिस्त्री नहीं करता, ना ही आज तक किसी ने किया है। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है। वो अक्सर आपने देखा होगा कि जो डिलीवरी होती है वो व्हील के इस साइड पे होती है, यहाँ पे होती है। जो सेक्शन होता है वो व्हील वाली साइड पे होता है, तो काफ़ी दुश्वारी होती है। वो कहीं कहीं पे जो है ना ऐसी वो जगह होती है जहाँ पे जो है ना वो मोटर बिल्कुल जो है ना फिट हो जाता है, वो खोलने की फिर जगह भी नहीं होती। तो उसको हम ये चेंज करने के लिए ये जो बोकी वाली साइड होती है, फ्लेंच होता है, तो वो बाहर की साइड आ जाए। अक्सर यही सोचते हैं, तो वो बाहर भी आ जाएगा। वो सेक्शन को डिलीवरी कर दें, डिलीवरी को सेक्शन कर दें, ये भी हो सकता है। ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये हमारे सिले हैं, ये हम अभी सिले लगाएंगे। कंपनी की फिटिंग होती है ऐसे, ये वाल जो है ना ये सेक्शन वाली जगह पे होते हैं, ये ऊपर होते हैं, सेक्शन वाली जगह पे ऊपर उठे होते हैं। ये जैसे पानी खींचेगा तो ये नीचे जो है ना ऐसे ऐसे करेंगे, ये वर्किंग करेंगे, और जब पानी देना होगा तो ये जो है ना ऊपर वर्किंग करेंगे ऐसे ऐसे, ये दोनों ऐसे ऐसे वर्किंग करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये सेक्शन जो है ना दूसरी साइड पर आ जाए। और आपने ये भी ख़ास ख्याल रखना है, ये भी ख़ास ख्याल रखना है, ये जो लकीर है ना, ये लकीर इस लकीर पे लकीर के ऊपर होनी चाहिए। अक्सर कर देते हैं ऐसे, ये लकीर जो है ना वो प्लस की जो है ना निशानी हो जाती है, जमा की निशानी हो जाती है, तो वो आपको जो है ना वो पानी सही नहीं देगी, तो वो जो है ना पानी में एयर बनाएगी, पानी में एयर आएगी और पानी सही नहीं उठाएगी, पानी बार बार छोड़ती रहेगी, तो ये होता है। ये अक्सर अगले दिन मैं गया तो वो मिस्त्री ने पंप को बनाया, मैंने भेजा पंप बनाया उसने, तो बना के क्या किया, वो जो है ना वो जमा कर दिया इसको, इस लकीर और इसको। ये अभी ये देखें ना, ये सेक्शन है, ये ऐसे कर दिया उसने, ये ऐसे कर दिया, ये लकीर ऐसे है ना, ये ऐसे कर दिया। ऊपर वाला तो सेट आ जाएगा, लेकिन नीचे वाला ये देखें, ये जो है ना ये जमा की निशानी बन जाएगी। ये देख लें, ये क्रास ऐसे जा रही है, ये क्रास ऐसे जा रही है, तो वो पानी उठाने में दुश्वारी करेगी, पानी नहीं देगी आपको। ये हमने ख़ास ख्याल रखना है, ये वाली लकीर उस लकीर के ऊपर आनी चाहिए। ये देख लें, ये लकीर ये ऐसे आ जाएगी, ये लकीर इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये जो है ना ये पहले हमने उस ये इधर आ जाए इधर गए थे, तो अभी ये जो है ना ये वाले इधर आ गए, ये इधर वाले ये यहाँ पर चले गए। तो ये क्या हुआ कि जो सेक्शन है वो इधर इधर आ गया और डिलीवरी इधर आ गया। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहें, कंपनी की जो ओरिजिनल फिटिंग होती है वो ये जो ऊपर वाल उठे होते हैं ये इस तरह यहाँ पे होते हैं, ये व्हील वाली साइड में यहाँ पे होते हैं, हमने अभी यहाँ पे कर दिए, हमारा अभी कनेक्शन चेंज हो गया, ये सेक्शन हो गया और ये डिलीवरी हो गया, व्हील वाली साइड पर डिलीवरी हो गया और यहाँ पे सेक्शन हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे ही करेंगे क्योंकि हमारा कनेक्शन सीधा लगा हुआ है, तो हम जो है ना वैसे ही करेंगे जैसे ओरिजिनल है।
ये यहाँ पे, ये लकीर, ये जो है ये देखने, आपको समझ नहीं आए तो सिर्फ ये कर लेना है, ये वाली चीज़ ऐसे घुमा लेनी है, ये देख लें, ये सीधा है, ठीक है, ये वाली ऐसे घुमा लेनी है, सिर्फ प्लेट को ऐसे घुमाना है और आपने कोई दूसरा काम नहीं करना है। ये है, ये पंप हम अभी फिट कर रहे हैं। चलो, हमारा कनेक्शन तो सीधा लगा हुआ है, लेकिन हम इसको जो है ना वो चेंज कर देते हैं आपके लिए, ताकि आपको पता लग जाए कि पानी उठाती है नहीं उठाती। तो इस वजह से हम जो है ना अभी कनेक्शन हम अपना भी चेंज करेंगे, अपनी मोटर का चेंज करेंगे, सेक्शन की जगह डिलीवरी कर देंगे, डिलीवरी की जगह सेक्शन कर देते हैं। ये देख लें आप, ये देख लें जी, सेक्शन की जगह डिलीवरी, डिलीवरी की जगह सेक्शन, ये अभी व्हील की साइड पे जो है ना ये डिलीवरी हो गई, यहाँ पे ये सेक्शन हो गया, वो हम आपको चला के भी चेक कराएंगे। ये देख लें, आपने ये कर लेना है कि ये नट सीधे नहीं टाइट करने, अपोजिट करने टाइट, इस तरह। अगर ये टाइट कर रहे हैं उसके बाद ये टाइट करेंगे, उसके बाद ये टाइट करेंगे, ये टाइट कर लिया, फिर इसके बाद ये टाइट करेंगे, फिर ये वाला टाइट करेंगे, अपोजिट करने, सीधे नहीं करने। ये हम टाइट कर रहे हैं, फिर ये करना है हमने, इतना भी टाइट नहीं करना कि ये नक्का टूट ना जाए, इतना भी टाइट नहीं करना। अभी ये हम इस साइड वाला करेंगे,
ये हमारा पंप फिट हो गया, डिलीवरी की जगह सेक्शन, सेक्शन की जगह डिलीवरी। ये जी हमारे ये सेक्शन हो गया, ये सेक्शन कराए और ये डिलीवरी व्हील की जगह, ये अब अभी फिट कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं ये फिट हो जाएगा। जब हमारा पंप बन गया और ये पानी दे रहा है, ये अभी भी थोड़ा थोड़ा स्लो है क्योंकि हमने ये वो बोकियाँ डाली हैं नहीं, तो वो जैसे वो पानी में जो है ना वो हो जाएंगी, पानी लगेगा उनको, वो जो है ना वो खुलेंगी बोकियाँ, वो मोटी होंगी। अभी नई नई है, वो सख्त है, वो फिर नरम हो जाएंगी, फिर वो पानी जो है ना सही देना शुरू होगा। अभी पानी दे रहा है, पहले दे ही नहीं रहा था। ये है, ये पानी है, ये प्रेशर जा रहा है, देख लें ये कहाँ तक जा रहा है, ये 20-30 फिट जो है ना 30 फिट पे जो है ना ये मार कर रहा है, ये देख लें पानी दे रहा है। जैसे जैसे चलता जाएगा ये पानी ज़्यादा होता जाएगा, पानी बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो बोकियाँ नहीं हैं, तो इस वजह से ये जो मैंने कहा था कि डिलीवरी की जगह सेक्शन, सेक्शन की जगह डिलीवरी, ये देख लें अभी आप, ये व्हील चल रहा है, ये व्हील चल रहा है, ये पहले सेक्शन था, अभी ये डिलीवरी हो गया, ये सेक्शन हो गया, ये देख लें ये सेक्शन हो गया। जो कंपनी की फिटिंग आती है वो व्हील वाली साइड पे जो है ना वो होती है सेक्शन होता है, और दूसरी जगह पे जो है ना वो डिलीवरी होती है। लेकिन हम मैंने इस वजह से बताया कि काफ़ी जगहों पे जो है ना वो जगह नहीं होती, तो उसको जो है ना हम सेट करने के लिए वो ये जो ये फ्लेंज है ना हमें ये चाहिए बाहर, काफ़ी जगह पे जो है ना वो दीवार के अंदर हो जाता है। ऐसी ऐसी कोई मखसूस जगहें होती हैं जहाँ पे जो है ना वो बोकियों वाली साइड, बोकियों वाला फ्लेंज वो अंदर हो जाता है, तो इस वजह से हमने आज ये बताया है कि सेक्शन की जगह डिलीवरी हो सकती है, डिलीवरी की जगह सेक्शन हो सकता है। ये आपके सामने चल रहा है, ये पहले मेरा पंप था, ये उधर था सेक्शन था, ये सेक्शन था, ये डिलीवरी थी, अभी ये मैंने सेक्शन कर दिया, ये डिलीवरी कर दी है। ये देख लें आप, ये पानी भी चल रहा है, अभी जैसे जैसे चलता जाएगा ये पानी जो है ना ज़्यादा होता जाएगा, ये देख लें ये पानी अभी ज़्यादा हो गया, ये क्योंकि वो हमने बोकियाँ नहीं डाली हैं, तो इस वजह से वो जो है ना अभी तो पानी स्लो देगा, फिर बढ़ता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ये देख लें। Yeah.